सोशल संवाद सच के साथ। सर, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। संवाद जितना बढ़ेगा संबंध उतने मजबूत होंगे, इसलिए संवाद से ही संबंध बनते हैं, और जहां संवादहीनता होती है वहां संबंध जो है कमज़ोर होते हैं। तो मैं तो प्रार्थना करूंगा कि संवाद जो है बना रहे, संबंध मजबूती से चलते रहें। ये जो संवाद के जरिए जो वार्तालाप हो रहा है, इसमें निर्भर करता है कि आप कैसे उनकी सवालत करेंगे, कैसे आप प्रश्न पूछेंगे, कैसे उनसे आप जवाब चाहते हैं, ये डिपेंड करता है उनसे। तो हम चाहेंगे, शुभकामना देता हूँ कि आपका सोशल संवाद समाज के लोगों को सही संदेश दे, संवाद दे, एकजुट करें और नई राह नई दिशा प्रदान करें। देखिए, सोशल संवाद एक सिर्फ न्यूज़ प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे लिए एक परिवार की तरह है। और इस बेहतरीन कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सभी साथियों का, शशि जी की पूरी टीम को, राममूर्ति भाई सभी को हृदय से साधुवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता और सही समय पर सही लोगों तक सही माध्यम से सही जानकारी पहुँचाने का जो काम आप लोग कर रहे हैं, उसे जारी रखें, मेरी शुभकामनाएँ हैं। बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। एक तो एक मंच पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को एकत्रित करना, देश की बात करना, समाज की बात करना, और सबसे महत्वपूर्ण है झारखंड की बात करना। झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा, क्या कुछ ऐसे विचार लाए जा सकते हैं आने वाले दिनों में, क्या कुछ कमियां हैं यहाँ जो नहीं हो पा रही है, बावजूद इसके कि इतना ये समृद्ध राज्य है, किन वजहों से हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर चर्चा हुई। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगी पूरी टीम को, आप सबको, इतना बढ़िया कार्यक्रम करने के लिए। संवाद के माध्यम से हम लोगों के विचार जो बाहर आएंगे, और उससे कुछ हम लोग अगर चाहें तो पॉइंट्स नोट करके जो कंसर्न लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग जो हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी दे सकते हैं हम लोग कि ये सब मुद्दे पर बहस हुआ था, ऐसे ऐसे सब सलाह आए थे, एडवाइजेज आए थे। तो हमें लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा पहल है, डेवलपमेंट में काम आएगा, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लोगों के इश्यूज़ की भी जानकारी आप दे रहे हैं एक दूसरे को, ऑडियंस भी अच्छा क्लास का आप लेकर आए हैं, जो लोग बैठ कर बढ़िया से सुन रहे हैं, ऐसे ऑडियंस नहीं है जो तुरंत भाग जाने वाले लोग हैं। तो देख रहे हैं सारा अरेंजमेंट आपका टॉप क्लास है, और ये चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके माध्यम से आप सब तरह के लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को जोड़ रहे हैं, ट्रेड यूनियन के लोगों को जोड़ रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स के जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं या जो मैटर करते हैं, उन लोगों को बुलाकर ये सब जो संवाद स्थापित किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। श्रमजीवी साथियों के द्वारा इस कॉरपोरेट घरानों से प्रतिस्पर्धा के दौर में भी इतनी अच्छी प्रस्तुति, निरंतरता, लगातार इसका प्रसारण, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, और इसको पूरे सोशल संवाद टीम जिस लगन, मेहनत और उत्साह से कर रही है, बहुत बहुत बधाई उस टीम को, बहुत साधुवाद। पहले तो इस आयोजन के लिए पूरी टीम को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक जमशेदपुर के लिए, जमशेदपुर में यह एक जो है एक नया आयोजन करके, और एक समाज में लोगों के बीच में जिस तरह का एक संवाद के माध्यम से एक अच्छी विचारधारा का आप लोगों ने जो नया प्रयोग किया है, इसके लिए सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आकर के कैसा फील हुआ? नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं जमशेदपुर में करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, और मुझे पहला ऐसे किसी आयोजन में, पत्रकारों के द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। एक मंच पर इतने सारे लोगों को बुलाना और इतनी अच्छी गैदरिंग आपने यहाँ सोशल संवाद की पूरी टीम ने जो यहाँ उपलब्ध कराई है, बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और देखिए, ऐसे कार्यक्रम आमतौर पर माना बोझिल माना जाता है, आप इंटरटेनमेंट कार्यक्रम करें तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग यहाँ आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये इसके लिए सोशल संवाद टीम को मैं जमशेदपुर के पत्रकारों की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत कम समय में सोशल संवाद ने इतनी अच्छी पहचान बनाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस उद्देश्य से लेकर पूरी टीम काम कर रही है उसमें आपको कामयाबी मिले। बहुत अच्छा लगा। सोशल संवाद सच के साथ।